हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करती रहती हूं, तो आज मैं आपके साथ रेसिपी नहीं, आज मैं किचन टिप शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जो हम डेली में जो भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम क्या टिप्स अपना सकते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हम वो रेसिपी आपके लिए ला सकें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। फर्स्ट टिप्स हमारी करी लीव से रिलेटेड है। करी लीव को हम कैसे 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसी तरह से ये हरी बनी रहे। आपको जब भी यूज करना है किसी भी सब्जी में, पोहा में, किसी चीज़ में, जहाँ भी आप यूज करना चाहे यूज करें, तो इसको हमें क्या करना है, इसको तोड़ लेना है, इसके पत्ते पत्ते ले लेने हैं, डटी फेंक देना है और इसको एयरटाइट डिब्बे में रख के फ्रिज में हमें स्टोर करना है, तो ये ऐसे ही हरा हरा बना रहेगा। टिप नंबर टू है। टिप नंबर टू में आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो कभी क्या होता है, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आटा लेना है, और अगर आपके पास गूंथा हुआ है नहीं तो आप थोड़ा सा गूंथ लीजिए, और उसके बाद इस आटे को हमें एक इस तरह की छोटी सी पूरी बना लेनी है, और जो भी हम सब्जी बना रहे हैं और जिसमें नमक ज़्यादा है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और उसी सब्जी के साथ थोड़ी देर पका देंगे, तो जो है जो साल्ट ज़्यादा है वो कम हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है। टिप नंबर थ्री में मैं पंचफोरन बनाना बताऊंगी, क्योंकि बहुत ऐसी सब्जियां हैं जिसमें पंचफोरन का यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है, मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, तो ये 5 चीज़ें क्या मिला के पंचफोरन हम बना सकते हैं। इसको आप बना के एक बॉक्स में भर के रख लीजिए, और जब भी आपको इसका यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। लौंजी में भी हम यूज कर सकते हैं, अचार में यूज कर सकते हैं। ये पूर्वांचल यूपी बिहार फेमस है, तड़के में हर सब्जियों में भी वहाँ डाला जाता है। तो अभी हम बताते हैं टिप नंबर फोर। टिप नंबर फोर में मैं आपको बताऊंगी कि मखाने को हमें कैसे यूज करना है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो मखाने होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर इतने ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो एक आप भगोने में दूध बॉयल कर लीजिए, उसके अंदर मखाने डाल के पका लीजिए, फिर उस दूध को पीजिए। तो नेक्स्ट टिप है हमारी मेदू बड़ा से रिलेटेड। अगर हम मेदू बड़ा बना रहे हैं तो दाल को हमें काफ़ी अच्छे से फेंटना होता है, तो हमारा जो मेदू बड़ा है वो बहुत क्रिस्पी बनता है, और जैसे मैंने आपको उठा के दिखाया, अगर वो गिरता नहीं है तो मीन्स कि बहुत अच्छा परफेक्ट है। और उसमें हम चावल का आटा मिला देंगे तो मेदू बड़ा हमारा बहुत क्रिस्पी बनेगा। उसके अंदर हमें करी लीव्स भी डाल देंगे तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेदू बड़ा बनाते समय इसे हम इन चीज़ों को जरूर मिला लें, तो हमारा मेदू बड़ा भी टेस्टी भी बनेगा और साथ में क्रिस्पी बनेगा। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करें, आपको अच्छा लगेगा। टिप्स नंबर सिक्स में मैं आपको घी के बारे में बताऊंगी। अगर आप घी बना रहे हैं और घी में अगर आप 1 चम्मच आटा डाल देते हैं तो आपका जो घी है वो ज़्यादा निकलेगा, तो ये टिप्स आप फॉलो करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। आप जैसे ही इसके अंदर आटा मिक्स करेंगे इसकी क्वांटिटी बहुत अधिक हो जाएगी, आप देख सकते हैं। टिप्स नंबर सेवन। टिप्स नंबर सेवन में मैं आपको घी गर्मियों में कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। इसका वीडियो, फुल वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो अगर आप गर्मियों में घी बना रहे हैं तो थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मियों में जो मक्खन है वो पिघलता है, तो उसके लिए हमें एक टिप अपनानी है। जब भी हमारा मक्खन थोड़ा निकल जाए तो हम उसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे, जिससे कि जो मक्खन है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा और
अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, तो हमें ठंडा पानी डाल के और उसको मिलाना है। और विंटर में घी को कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डाल दूँगी कि विंटर्स में अगर आप घी निकालते हैं तो आपको क्या डालना चाहिए, तो आपका घी आसानी से निकल जाएगा। तो ये टिप आप फॉलो करिए और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। टिप नंबर 8 में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई स्टफ वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से मसाले डालें तो आपके अच्छे बनेंगे। तो धनिया, राई, कलौंजी, थोड़ा मूंगफली, नारियल और सौंफ, इन चीज़ों को अगर आप पीस के और स्टफ वेजिटेबल में मिलाते हैं तो आपका जो वेजिटेबल स्टफ करके बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और उसका जो मसाला है का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। एक बार ये फॉलो करके देखें। टिप नंबर नाइन में मैं आपको बताऊंगी कि कभी ऐसा हो कि आप दूध रखते हैं और आपका दूध नीचे लग जाता है और एक स्मेल आने लगती है, तो आपको क्या करना है, घी लेना है, तेज़पत्ता, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, एक काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सब चीज़ों को आप ले लीजिए। एक कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर आप इन सब चीज़ घी डालिए, उसके बाद आप ये जो दूध है वो ले लीजिए और उसके बाद आप ये जो सारी चीज़ें मसाले हमने लिए हैं वो डाल दीजिए और जो आपका जला दूध है वो डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। आप इसके अंदर सिमई डाल के बना लीजिए, बहुत टेस्ट अच्छा आ जाएगा। टिप नंबर टेन में मैं बताऊंगी कि कभी क्या होता है कि हम घी बना रहे होते हैं और गलती से छूट जाता है और थोड़ा ज़्यादा उसमें लाल हो जाता है, तो एक थोड़ा सा अलग सा टेस्ट हो जाता है। तो उस टेस्ट को दूर करने के लिए भी आप ये टिप अपना सकते हैं। यहाँ पे हमें लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और हमें इसके अंदर डाल देना है और डाल के हमें 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको इसमें पड़े ही रहने देंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे तो आपको जो घी जले का स्मेल आ रहा है वो बिल्कुल नहीं आएगा और आप इस घी से आप पराठे बना सकते हैं और अच्छे बनते हैं, कोई इसमें वो नहीं आएगा। और बस आपको इस घी को और पकाना नहीं है, बस इसमें डाल के छोड़ देना है और आप इसको रोटी पे लगा के खा सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं, बस तड़का में यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये बताए गए टिप्स कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अधिक मेहनत करने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लाइक बिल्कुल करके जाया करिए, भूलिए नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे टिप्स पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी या टिप्स जो भी है डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि आप कोई वीडियो मेरी मिस ना कर सकें। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।